नॉर्थ कोरिया पर अमेरिकी प्रशासन का अनुमान सामने आया है। किम जोंग उन कह रहा है कि न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी है, पहले से ज्यादा शक्तिशाली होगा न्यूक्लियर टेस्ट। नॉर्थ कोरिया में अमेरिकी खुफिया मिशन चलाने में दिक्कत है। किम जोंग उन के इरादों पर मिल रही है सीमित खुफिया जानकारी। तो किम को लेकर किस किस तरह की बातें सामने आती हैं तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इस वक्त जो तनाव फैला हुआ है चाइना में, जापान में, ताइवान में, ऐसे में किम जोंग को लेकर ये जो सारी खबरें आ रही हैं ये भी अपने आप में चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि किम जोंग के दिमाग का कोई ठिकाना नहीं है और ये सभी मानते हैं वो कब क्या करें पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल। ऐसे समय में अगर कोई टेस्ट होता है इस तरह का तो वो तनाव को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो किम जोंग का परमाणु प्लान क्या है जल्दी से दिखाते हैं आपको बिग वॉल के जरिए। तो किम जोंग की न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी है ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है और दुनिया को फिर से चौंकाना चाहते हैं किम जोंग, एक बार फिर से अपनी दहशत फैलाना चाहते हैं। अमेरिका की सही जानकारी जुटाने की कोशिश है, इस पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर वाकई में ये जो तैयारी है ये है किस तरह की। नॉर्थ कोरिया के पास 20 से 60 परमाणु बम है और ये अमेरिका के लिए हमेशा चिंता की बात रहती है। किम जोंग के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, कुछ दिन पहले जापान के ऊपर भी मिसाइलें उड़ाई थी किम जोंग ने, हाइपरसोनिक मिसाइल का भी टेस्ट कर चुका है नॉर्थ कोरिया और 20 तरह के 2500 से 5000 टन तक के केमिकल वेपन्स हैं। ये और बड़ा खतरा है, केमिकल वेपन का मतलब है कि एक तरीके से मास डिस्ट्रक्शन करने में वो कैपेबल है। अंशु जी, ये सवाल सीधा सीधा मेरा आप ही से है कि किम जोंग के दिमाग का तो कोई ठिकाना है नहीं, ये खतरा तो रियल है क्योंकि जापान में जो हरकतें की हैं किम ने थोड़े दिन पहले उससे ये पता चल रहा है कि वो एक्टिव मोड में है इस वक्त। बिल्कुल रवि, आपने बहुत सही बात कही और हम नॉर्थ कोरिया की तरफ यदि देखते हैं तो वो एक पर्दानशी देश है, ट्रांसपेरेंट देश बिल्कुल नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय कई ऐसे नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क है जिसका वो हिस्सा नहीं है, खुल के उसने विरोध किया है। तो जब हम नॉर्थ कोरिया की ओर देखते हैं, कम्युनिस्ट देश है, चीन के द्वारा प्रमोटेड देश है और ईस्ट एशिया के तरफ हम जाकर के देखें तो जापान का और साउथ कोरिया का हमेशा से विरोध करता आया है क्योंकि जापान और साउथ कोरिया उसे कहीं ना कहीं अमेरिका से पश्चिमी खेमे से जुड़े हुए देश नजर आते हैं। और जैसा कि रवि ने कहा कि इनका किमिल जोंग का कोई ठिकाना नहीं है कि वो कब क्या कर दें, तो ये सब और अभी की जो परिस्थितियां हैं जो रशिया यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य में बनी हुई है, चीन और ताइवान के परिप्रेक्ष्य में बनी हुई है, तो ये देखते हुए यदि नॉर्थ कोरिया इस प्रकार की कोई घोषणाएं करता है या परीक्षण करता है तो इसे हमें हल्के में तो कम से कम नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, हल्के में नहीं लेना चाहिए।